हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी की हिंदी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित किस COVID-19 वैक्सीन को DGCI द्वारा मानव परीक्षणों के लिए मंजूरी मिली है? सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन पहला स्वदेशी रूप से विकसित COVID-19 वैक्सीन है जो मानव नैदानिक परीक्षण के लिए DGCI द्वारा अनुमोदित है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने COVID-19 वैक्सीन के लिए चरण एक और चरण दो मानव नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के सहयोग से विकसित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स को चीन द्वारा हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया था। आपको बताना है कि किस दिन ये पारित किया गया था। सही जवाब है सी ऑप्शन, 30 जून 2020। 30 जून 2020 को चीनी संसद ने हांगकांग के लिए विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने हांगकांग के विधायिका को दर निकाल करते हुए विवादास्पद सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून को आतंकवाद, अलगाववाद, राज्य में तोड़फोड़ और विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत को रोकने के लिए बनाया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब है डी ऑप्शन, 30 जून। विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रति वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। ये दिन व्यापक रूप से क्षुद्र ग्रह प्रभाव खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए और वैश्विक स्तर पर होने वाले संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए मनाया जाता है। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड हैं जो बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आकार में छोटे होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन, पॉप स्टार बियॉन्स। अवार्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर। बेट पुरस्कारों को संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए सम्मानित किया जाता है। ये 2001 में ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन द्वारा स्थापित किया गया था। पॉपस्टार बियॉन्से को उनके लंबे समय से परोपकारी कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिनमें उनके हालिया COVID-19 राहत कार्य शामिल हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? ये एक आंसर तो आपको पता होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, चीन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जिन पर चीनी सरकार और सेना को भारतीयों के डेटा को लीक करने का संदेह है। ये निर्णय गालवान घाटी गतिरोध के बीच लिया गया, जहां भारत के 20 से अधिक सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। ठीक है, आज का सिक्स्थ क्वेश्चन, 2020 में मलावी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है बी ऑप्शन, लाजरस चकवेरा। लाजरस चकवेरा को ऐतिहासिक जीत के बाद मलावी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। लाजरस चकवेरा ने 58.57% मतों के साथ पीटर मुथारिका को हराया।
फरवरी 2020 में मलावी की संवैधानिक अदालत ने वोटों से छेड़छाड़ का हवाला देते हुए मई 2019 के चुनाव में श्री मुथारिका की जीत की घोषणा की। सोलोइस चिलिमा को भी राजधानी लिलोंगवे में एक समारोह में उपाध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? बी ऑप्शन है, सही जवाब उत्तराखंड। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। लाइकेन हिमालय से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं क्योंकि ये वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं, सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनकी रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। इन लाइकेन प्रजातियों का इस्तेमाल भोजन, इत्र, रंजक और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आज का एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। संसदीयता का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? एट्थ क्वेश्चन का सही जवाब है, अगेन इट्स डी ऑप्शन, 30th जून। संसदीयता का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसके अलावा ये दिन अंतर संसदीय संघ के गठन की तिथि को भी चिन्हित करता है, जो संसदों का वैश्विक संगठन और जिसे 1889 में स्थापित किया गया था। प्रतिवर्ष 30 जून को विश्व स्तर पर संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिवस संसदों की उन प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियां दुनिया भर के लोगों को रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाती है। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की है? इट्स डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। 27 जून 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की है। ये योजना लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए एक आभासी मंच पर शुरू की गई थी। इस योजना के 6 जुलाई 2020 से शुरू होने की उम्मीद है। इस योजना से मध्य प्रदेश के अनेकानेक घरों में स्कूल की घंटी सुनाई देगी और शिक्षक घंटी बजने के बाद कक्षा शुरू करेंगे। प्रत्येक विषय के लिए एक घंटे की कक्षा के साथ कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। 10th क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? किरेन रिजिजू, ये इसका सही उत्तर है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम नाडा ऐप है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य खेल के विभिन्न पहलुओं, निषिद्ध पदार्थों के साथ साथ डोप परीक्षण पर आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करके नाडा और एथलीटों के बीच की दूरी को कम करना है। नाडा ऐप डोप मुक्त खेलों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और प्रतिबंधित पदार्थों और उनके उपयोग के बारे में अपडेट प्रदान करेगा। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू।